हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन में वैकेंसी आई हुई है, और ये देख सकते हैं कि 5/6/2024 को ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन आया है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं ये कौन कौन सा है। डिपार्टमेंट के लिए है नोटिफिकेशन, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर के लिए है, एज ए जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू में होगा। और एंड माइन सर्वेयर सर्वेयर इन DVC थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CVT टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका वैकेंसी का, तो वैकेंसी जो है सिविल मैकेनिकल का 16 नंबर ऑफ वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का 20 है टोटल, और आप सिविल का देख सकते हैं, सिविल का भी 20 है, और बाकी और भी माइन सर्वेयर का 4 है, ठीक है। मिनिमम जो एज है इसमें 18 ईयर्स है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको ऊपर दिखाई दिए। इसके बाद इसका जो सैलरी वगैरह होगा, ये लेवल 6 का है, बहुत ही अच्छा, काफ़ी अच्छा है डिप्लोमा लेवल पे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट का। तो आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स डिप्लोमा चाहिए, BTEC अलाउड नहीं है इसमें, BTEC अलाउड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कब से ये फॉर्म भरा रहा है, बाकी ये सब चीज़ आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। OBC के लिए 3 साल है आपका मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, और SC ST में 5 साल के लिए है, और बाकी और भी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब से भरा। 300 रुपये फीस लग रहा है इसमें, ठीक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, 300 रुपये फीस लग रहा है, 300 फीस 4/7/2024 लास्ट है, ठीक है। हम आप आगे आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आगे, आप देख लीजिए। बाकी ये सब चीज़ तो आप जान रहे हैं, जब फॉर्म भरते समय आपको पता चलेगा कब से ये फॉर्म भरा रहा है। आप जैसे वेबसाइट खोलिएगा ना, www.dvc.government.in, उसमें कैरियर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से रिक्रूटमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिटी सेंटर सेंटर का भी, टेस्ट सेंटर भी आप चूज कर सकते हैं वहीं से। अब आते हैं कब से फॉर्म भरा रहा है, ये कब से फॉर्म भरा रहा है, इसमें आप आगे आ जाइए। देखिए कमेंसमेंट ऑफ जो ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन ऑफ DVC जो है वो 5/6/2024, मतलब 5/6 से स्टार्ट हो गया ऑनलाइन सबमिशन, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 4/7, मतलब 4 जुलाई तक है। 5 जून से स्टार्ट हो गया, 4 जुलाई, लगभग आपको 1 महीने का समय दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें, सिर्फ याद रखिए कि BTEC अलाउड नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, और सिलेबस का भी दिया हुआ है, इंडिकेटिंग सिलेबस फॉर कंप्यूटर टेस्ट फॉर वेरियस डिसिप्लिन के लिए, आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और 2 घंटा का एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 आवर्स का एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 आवर्स का एग्जाम होगा। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट जो है, देयर विल बी 30 नंबर ऑफ जनरल एप्टीट्यूड के 30 नंबर है, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल में है, 30 को है आपका जनरल एप्टीट्यूड का, और 70 जो है टेक्निकल, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन टेक्निकल का है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है, मतलब 30 आपका नॉन टेक हो गया और 70 टेक्निकल, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसका भी टेक्निकल अच्छा होगा उसके लिए काफ़ी फायदा हो गया। एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, मतलब टोटल 100 मार्क्स का हो गया। टोटल 100 मार्क्स का 0.25 मार्क्स जो है वो निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4, जैसे आपका SSC प्री में होता है। बाकी सिलेबस वगैरह आपका दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंसी में, रीजनिंग में, रीजनिंग का जो कॉमन सिलेबस होता है, जनरल अवेयरनेस का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश है, ये तीनों मिला के 30 नंबर का। और इसके बाद आपका जो मैकेनिकल का हो गया, मैकेनिकल का टेक्निकल पेपर, टेक्निकल पेपर में आपका फंडामेंटल्स बेसिक्स हो गए हैं, फंडामेंटल बेसिक्स, पावर पॉइंट इंजीनियरिंग हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ये सब मैकेनिकल का सिलेबस है। अब आते हैं हम सिविल का सिलेबस में डायरेक्टली, ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, सिविल का सिलेबस में ये आपको PDF मिल जाएगा, उसमें आपका सिलेबस आप अच्छे से जाके देख लीजिएगा। देखिए सिविल का हम बात करें तो सिविल का सिलेबस में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट्स मैनेजमेंट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है आपका, इसके बाद सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, हाईवे एंड रेलवे इंजीनियरिंग है, इसके बाद वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, इसके बाद सर्वेइंग है, इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड इशूज में इसका फंक्शन नेसेसिटी है, बाकी मिसलेनियस है, इसमें आपका इस्टीमेशन वगैरह हो गया, और फ्लाइस बेस्ड प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज का हो गया। तो ये सारा आपका जो है ना सिविल का सिलेबस है, बाकी सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं नोटिफिकेशन देख के।
बस इतना ही कह जाएंगे, फॉर्म अच्छा है आप लोग डिप्लोमा लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।